वेलकम बैक, आ चुके हैं हम वापस। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो, और ब्रेकफास्ट में आज क्या बन रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था खागीना, लेकिन थोड़ा सा तंदूरी स्टाइल से बनेगा ये खागीना। अच्छा, इसमें एक बड़ी मज़े का वाकया है इस खागीने के पीछे, और वो ये है कि आजकल बहुत सारे लोगों का गला ख़राब है, नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, तो मेरे घर में भी किसी का गला ख़राब था, तो मैंने बनाई यखनी। अब वो जो यखनी की चिकन होती है वो हो जाती है बहुत ही बोरिंग, तो फिर मैंने सोचा कि इस यखनी की चिकन के साथ क्या किया जाए। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप सैंडविचेस वगैरह में बना के दे सकते हैं उनको, मेयोनीज़ मिला सकते हैं, मगर मैंने कहा चलो उसको तंदूरी मसाले के साथ कुछ करते हैं। सो वेल जनाब, हमारे पास उबली हुई चिकन है, इसको हमने छोटा छोटा सा श्रेड कर लिया है, आप चाहे तो आप इसको चॉप भी कर सकते हैं। अंडे हम इसमें शामिल करेंगे, टमाटर जाएंगे, प्याज, हरा धनिया, आप चाहे तो हरा प्याज, पुदीना भी शामिल कर सकते हैं, हरी मिर्च शामिल करेंगे, और इसमें हम शामिल करेंगे तंदूरी मसाला। जो बाज़ार का तंदूरी मसाला होता है इसमें नमक होता है, और जब आप घर पर भी बनाते हैं ना तो नमक हमेशा किसी भी मसाले में जो भी आप घर पर बनाएं उसमें इसलिए शामिल करते हैं ताकि वो मसाला ख़राब ना हो, आप उसको फ्रिज के बाहर भी रख सकें, तो इसलिए हम नमक इसमें शामिल बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा जी, हम इस्तेमाल कर रहे हैं तेल का, आप चाहें तो आप इसमें घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ऑफकोर्स, पर आजकल तो मैंने देखा है वैसे तो महंगाई हो गई है, मगर एवोकाडो ऑयल, तो अगर आप चूज़ करना चाहते हैं सेहत के लिए तो प्रॉब्ली कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें हमने तकरीबन जो है वो 2 खाने के चमचे के बराबर ऑयल का किया है इस्तेमाल। इसमें हम शामिल कर देंगे प्याज। बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, जब मैं बहुत छोटी थी, ये मैंने किसी कलिनरी स्कूल से नहीं सीखी, ये मैंने अपनी मदर से सीखी है, कि जब भी मैं किसी के घर से कुछ खाना खा के आती थी तो मैं अपनी मदर को कहती थी कि उनके ऑयल में कुछ महक है, कुछ अजीब सा फ्लेवर है, मुझे समझ नहीं आता था, मुझे लगा था ऑयल किसी और किस्म का है। फिर मेरी मदर ने मुझे एक बात कन्वे की जो बचपन से मुझे लगता है कि मैंने अपने साथ बांध के रखी हुई है, वो ये है कि जब तेल ठंडा हो उसी वक्त उसमें प्याज शामिल कर दें। नॉर्मल तेल की हम बात कर रहे हैं, वेजिटेबल ऑयल, किनोना ऑयल, हम सरसों के तेल की बात नहीं कर रहे जिसको आप जला के इस्तेमाल करते हैं। ठंडे तेल में, बिल्कुल रूम टेम्परेचर तेल में जब आप कुछ शामिल करते हैं तो उससे वो अपनी महक जो है वो नहीं पकड़ता, और प्याज की महक या जो भी चीज़ आपने पहले शामिल की होती है उसकी महक वो पकड़ लेता है, तो आपको जो तेल की अपनी एक कच्ची कच्ची स्मेल होती है वो बिल्कुल भी नहीं आती। तो ये कभी आप करके देखिएगा, एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, मैंने बचपन में बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं, कभी अगर आप बहुत बोर हो रहे हो तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्याज को अच्छे तरीके से हल्की आंच में मैं पकाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है जब भी कोई कहता है ना कि फ़लाँ इंसान के हाथ में लज्जत है और फ़लाँ इंसान के हाथ में नहीं है, मुझे ऐसा लगता है लज्जत हाथ में होने का मतलब ये है कि खाने की सेंस आपको कितनी है या प्रैक्टिस के बाद सेंस कितनी है। जैसे कि प्याज, एक छोटी सी चीज़ कि प्याज को आप कितना, कितनी आंच पर, किस तरह से पका रहे हैं, आपकी पूरी डिश के जायके को चेंज कर सकता है। अभी अगर कच्चे प्याज में मैं अंडा शामिल कर दूंगी तो ऑफकोर्स वो प्याज मुंह में आएगा, क्रंच क्रंच होगा, अजीब सा मज़ा नहीं आएगा। अगर मैं प्याज को बिल्कुल ब्राउन कर दूंगी, खागीने का कलर तब्दील हो जाएगा, हल्का सा कड़वाहट की तरफ चला जाएगा। सो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि प्याज आपका जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म का परफेक्टली गोल्डन ब्राउन हो। और हमारा खागीने में मकसद हमेशा ये होता है कि प्याज को आपने सुनहरा ज़्यादा नहीं करना, आपने इसको ट्रांसपेरेंट करना है और सॉफ्ट करना है। आप चाहें तो हल्की आंच पे जो है वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड 20 सेकंड ढक्कन लगा के भी रख सकते हैं। अच्छी तरह से हम इसको यहाँ पे पका लेंगे, और उसके बाद फिर हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। अच्छा, चिकन में मैंने लहसुन अदरक बाय द वे शामिल करके रखा हुआ है, वरना आप 1 टीस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल करेंगे इसमें, और ज़ीरा भी बाय द वे चिकन में है। अच्छा, ये चिकन हमने शामिल कर दिया, चिकन के साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे अब टमाटर और तंदूरी मसाला। ये तंदूरी मसाला हम शामिल कर देंगे, इसमें थोड़ा सा मैं रोकूंगी क्योंकि इसमें अच्छा खासा नमक होता है, आई डोंट वांट कि वो बहुत ही ज़्यादा नमक नमक हो जाए सब कुछ। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, और मुझे एक बात आप लोग बताइएगा जब भी आप हमें कॉल करें, और ख़ास तौर पे अगर आप कराची में रहते हो, कि धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता कभी आपने उगाया है, बिकॉज़ मैं लिटरली कुकिंग शोज़ करती हूँ इतने ज़माने से, मगर मैंने ख़ुद से कभी कुछ नहीं उगाया। मैंने ख्याल रखा है कुछ पौधों का, लेकिन मैंने ख़ुद से कभी स्टार्ट नहीं किया धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता। आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी आसान है कि धनिया घर से ही मिल जाए, पुदीना घर से ही मिल जाए आपको, और हरी मिर्च ख़ास तौर पे,
क्योंकि आजकल हरी मिर्चों में जो है ना वो मिर्च नहीं है, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि हरी मिर्च जो है ना वो थाई रेड चिली एक बार आप खर्चा कर लें और उसके बाद आप घर में उगा लें, तो हर खाने में जो है ना वो फुल मिर्च मसाले आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा सा हम इसको स्टर कर रही हैं। अच्छा जी, यहाँ पर इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे बाद में हरी मिर्ची, हरा धनिया और इसमें फिर हम शामिल करेंगे अंडे। अगर आप चाहते हैं कि अंडों को बहुत सॉफ्ट मुलायम रखना है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध भी शामिल कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने देखा कि किसी ने अंडे में पानी शामिल करके उनको विस्क किया था। मैंने कहा ये भी एक अच्छा तरीका है उसको ज़रा सा मुलायम करने का। मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था ये, मैंने पहली बार देखा कि अंडे में फेंटते हुए पानी शामिल किया जा सकता है। बाय द वे आप हमें कॉल कर सकती हैं और अगेन क्योंकि हम पूरा वीक आपके साथ मना रहे हैं वेमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, वेमेन्स डे से रिलेटेड, सो आपकी ज़िंदगी की वो खातून जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है आप हमें उनके बारे में बता सकती हैं और वो कोई भी हो सकती हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपके साथ इंटरेस्टिंग शेयर करना चाहती हूँ। कल जब मैं वेमेन्स डे की एक इवेंट पर गई, किसी ने पूछा कि वो कहते हैं ना औरत ही औरत की दुश्मन होती है, और फिर हम कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होता, डिपेंड करता है उस इंसान पे, हर मर्द मुख्तलिफ होता है, इसी तरह से हर औरत भी मुख्तलिफ होती है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कभी कभी बिटर हो जाते हैं कि दूसरे इंसान के पास शायद वो है जो हमारे पास नहीं है और हम चाहते थे। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई डॉक्टर बनना चाहती थी लड़की, उसकी माँ बाप ने इजाज़त नहीं दी या शोहर ने इजाज़त नहीं दी या घर के कुछ हालात ऐसे नहीं थे फॉर एनी रीज़न और वो नहीं बन पाई, तो फिर वो जो एक आपके दिल में एक खलिश रह जाती है कि मुझे ये करना था, मैं ज़िंदगी में नहीं कर पाई, और इसलिए नहीं कर पाई कि नहीं भाई घरदारी ही थी जो ज़रूरी थी और इसके अलावा कुछ ज़रूरी नहीं था, तो वो फिर दूसरों पे निकलता है। तो कभी अगर आप सोचें कि आप किसी के भी साथ इनजस्टिस कर रहे हैं या किसी औरत को थोड़ा सा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपने आप से पूछें कि क्या ये ऐसा कोई काम कर रही है जो मैं करना चाहती हूँ। अपने आप के साथ हमेशा सच बोलें, और अगर ऐसा है, और आई एम श्योर ऐसा ही होगा, अदरवाइज़ आप किसी को बिला वजह डिसलाइक नहीं करेंगे, तो कोशिश करें कि अपने ख्वाब पूरे कर लें। हर उम्र में आप अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं। तस्लीम है कराची से, उनसे भी बात करती हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक तस्लीम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहले भी एक दफ़ा किया था और प्राइज भी विन किया था मैंने। कहाँ किया था? प्राइस भी आपके इससे विन किया था। ओके, जबरदस्त, क्या बात है। वेल, आज क्या कहना चाहती हैं? आपकी जिंदगी की कौन सी है सबसे बेहतरीन खातून? मेरी जिंदगी की बेहतरीन खातून शीरीन अनवर। अरे वाह, क्या बकल भी करती ना आप कॉल फिर। कल मैंने प्रोग्राम ही नहीं देखा था। प्रोग्राम नहीं, ओहो, अच्छा हमारा यूट्यूब पे आ जाएगा, वहाँ पे आप देख सकती हैं। चलिए, ये तो जबरदस्त है, क्या बात शीरीन है? तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बहन है, सब कुछ है। वाह वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त, नो डाउट। वो जो है ना वो बहुत सारे लोगों की फेवरेट है। नहीं, हम तो बहुत मिलते भी हैं, माशाल्लाह, अल्लाह हमको हमेशा रखे। थैंक यू। और मैं ये बताना चाह रही थी कि मैंने घर में पुदीना डाला हुआ है, बहुत अच्छा बना है, मतलब फैला हुआ है अच्छा खासा, बहुत बड़े बड़े पत्ते हैं। अरे वाह, हाँ बताइए। और मैंने प्याज ऐसे ही डाल दी थी गमलों में, तो उसमें से हरी प्याज निकल रही, तब जब भी जरूरत होती है ना हरे पत्तों की, तो मैं वो काट के लेकर आती हूँ, इतनी मजे की होती है घर की। और पालक डालती हूँ मैं, पालक भी बहुत अच्छी। पालक भी उगाती हैं आप? हाँ, धनिया नहीं उगता मेरे से, धनिया चिड़िया खा जाती, जैसे डालो वैसे चिड़िया खा जाती। अच्छा, धनिया को क्या परिंदे क्या मसला होता है? चिड़िया खा, चिड़िया आती है ना वो खा जाती है यहाँ पे। अच्छा हाँ, ये एग्जैक्टली मसला, सॉफ्ट पत्ते होते ना, हाँ, वो ले जाती तो आगे। पुदीने पे नहीं करती वो अटैक? पुदीने पे नहीं करती, पुदीना तो माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से हुआ है, बहुत ही टेस्टी है, मतलब खुशबू इतनी होती है कि बस। अरे वाह, जबरदस्त, तो फिर मैं भी पुदीना पे ट्राई करूंगी। थैंक यू मुझे बताने के लिए, धन्यवाद। मैंने पुदीना के, तो वो हमारा पुदीना आता है ना, उसकी डंठल होती है ना, वो उसे डाल दी थी तो माशाल्लाह हो गया था। अच्छा वाह, तो आपने किसी की मदद ली, किसी माली वगैरह की, या खुद ही किया? नहीं, मैं खुद ही करती हूँ, गार्डनिंग का शौक है मुझे बहुत। जबरदस्त। अच्छा मुझे बताइए, आप कॉल पे ही रहिए प्लीज, मुझे ये बताइए, आपने पुदीना लिया, फिर आपने नॉर्मल जो भी खाद होती है वो ली, आपने उसको जो है वो मिट्टी के अंदर, खाद के अंदर डाल दिया, उसके बाद आपने कितना बताइए? बस वो डंठल जो निकले थे ना पत्ते निकाल के, वो ऐसे ही डाल दिए, कुछ सड़ गए कुछ में पत्ते निकले, तो फिर वो बढ़ते ही जाता है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, जबरदस्त, माशाल्लाह अच्छा फैल जाता है, और उसकी खुशबू इतनी होती है, और दरवाजे के पास पौधा रख दो तो मच्छर भी नहीं आते।
अच्छा पुदीने की वजह से, वाह ये तो आपने जबरदस्त बात बताई है। सिट्रोनेला के बारे में जो पता था ये नहीं पता था। और कितने दिन इंतजार करना होगा कि वो पहली कली हमें वो पहला पुदीने का पत्ता दिखे? बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहे, एक दिन आपको नजर आएगा कि वो जो सड़ गए वो निकाल दें और जो ग्रीन रह गए उसमें पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे, फिर वो खुद ही फैलता है। अच्छा ठीक है, बस उम्मीद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। क्या बात है भाई, मुझे जो है ना वो अब पुदीना उगाना है अपने घर में। और आप लोग भी अपनी टिप्स शेयर कीजिएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए कि ये जो तंदूरी हमारा मज़ेदार सा चटपटा सा खागीना है ये हो चुका है तैयार। और इसमें मैंने हरा धनिया शामिल किया हमारी कॉलेज से बात करते हुए पुदीने के बारे में सीखते सीखते, और मैंने हरी मिर्च शामिल की। मैं मूना हमारे साथ हैं डीजी खान से, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं और क्या कहना चाहती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। पिछले हफ्ते आप 3 दिन ऑफ थी, खैरियत थी? मैं कब ऑफ थी? रोज आती पिछले हफ्ते। वो आपको कैसे पता चला? हमने तो आपके लिए फ्रेश फ्रेश एपिसोड रिकॉर्ड की थी। जब लाइफ शुरू होता है तो फिर लगता है लिखा होगा होता है कि ये लाइफ है। अच्छा। 3 दिन वक्त ऑफ था ना, वो ऑफ इसलिए था, वो ऑफ इसलिए था कि मैं जरा घूम फिर रही थी दुनिया। अच्छा माशाल्लाह। मैंने कहा अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज और अमान में रखे पंतन पाके सदके में। बहुत बहुत शुक्रिया, वाह आपने सोचा मेरे बारे में, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल खसूसी दुआ करती हूँ आप सबके लिए, और सुबह यकीन करें पूरा दिन हम सला ही देखती हूँ। वाह क्या बात है, जबरदस्त। और आप आज काफी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। अच्छा मुझे तो ये बताइए ना, आपकी जिंदगी की सबसे जबरदस्त बेहतरीन खातून कौन सी हैं? मेरे लिए तो आप सब हैं। सब हैं? अरे वाह क्या बात है, वेरी गुड। कल असल में मैंने आपका शो देख नहीं सकी थी ना। कल का शो क्यों मिस कर दिया? अच्छा इंटरनेट पे आएगा ना, आज शाम में आ जाता आ जाएगा तो जरूर देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत जबरदस्त शो था। और इसमें असल में ना हमारे घर जी असल में हमारे घर था जश्न इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ना, ठीक है, फिर तो इस वजह से मसरूफ थे काफी, और शब बारात की रात में आप सबके लिए भी दुआ की थी ना, पूरी रात इबादत करते है ना उस रात ना। अरे क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं। और जनाब यहाँ पर हमारा तंदूरी खागीना हो चुका है बिल्कुल तैयार, इसको आप पराठे के साथ कर सकते हैं इंजॉय। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कम उम्र में कोई वाइस चांसलर कैसे बन सकता है किसी यूनिवर्सिटी का, उनसे पूछेंगे उनकी ये सक्सेस स्टोरी, उनकी जर्नी। जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाएगी।